2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरा दोनों पैर खो दिया। और उस टाइम मेरा पैर के जाते ही हर कोई ने साथ छोड़ दिया, ये बोल के कि अब तुम क्या कर सकते हो। मेरे घर वाले, रिलेशन वाले, हर कोई ताना मारने लगे कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, भीख मांगने के सिलाव। वही चीज़ मैं आपके भी ऑडियंस को बोलना चाहता, जब मैं कर सकता पैर छोड़कर, तो आप लोग क्यों नहीं। एक्सीडेंट से पहले नॉर्मल लाइफ थी, जैसे कि 8 घंटे जॉब, खाओ पियो सो जाओ, मतलब फिर वो जॉब। जब मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर जो था मेरा बड़ा भाई, जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया ना, काफी इमोशनल हो गए ने। जदों खून दे रिश्ते साथ छड़ देन तां की दिल ते की बीतदी ओ ओही जानदा है जिहदे नाल बीती होवे। खून दे रिश्ते भी साथ छड़ देंदे ने। जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो चुकी है मेरी। बट खून नहीं साथ छोड़ यस बट लाइफ में संघर्ष किया था, अकेला था, क्योंकि मेरे मम्मा के भी ऐसा कुछ था नहीं कि वो मेरे को सपोर्ट कर सकती थी। बट माँ का आशीर्वाद था कि जो लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में सुसाइड कर लेते हैं, और गांव, समाज, रिलेशन वाले की सुन के सुसाइड कर लेते हैं, मेन रीजन ये नहीं कि वो फेल हो चुका है इसलिए वो सुसाइड नहीं करता है, उसका घर वाला, रिलेशन वाला, गांव वाला, समाज वाला, सोसाइटी वाला उसको बोल बोल के उसको इतना इरिटेट कर देता है कि वो मरने के लिए लास्ट चांस उसका वही मिलता है कि सुसाइड कर लेता है वो हार कर। जब आपके सक्सेस हो गए ना, यही लोग आपके कुत्ते जैसे पीछे पड़े रहेंगे। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपना संघर्ष करते रहे, यकीन मानो एक दिन पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। अगर 10 लोग हैं ना, तो 2 लोग जहन में जरूर आएगा कि जब ये बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकता। जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उनके अंदर और पावर डालना चाहता है कि जब मैं कर सकता, जब मैं इतना स्ट्रांग है, तो आप भी कर सकते हो, बस हिम्मत मत हारो, मेरा यही मोटिव है। हाँ, मेरे एक बेटी है, अभी 2 साल की होने वाली, 3 साल का शादी हो गया, 3 साल से ऊपर जो शादी का हो चुका है। एक ऐसा अनमोल गिफ्ट दिया है, फर्स्ट मेरी वाइफ है। बेटियाँ भोजनी होती है, बेटियाँ राजाओं के घर में उतारे जाते हैं, जिसके औकात बेटियां पालने की नहीं होती, उसके घर में बेटियां भी नहीं आते हैं। ये नहीं कि मैंने 12th कर लिया उसके बाद मैं डिसाइड करेगा मुझे करना क्या है, नहीं, मैं बीए कर लिया उसके बाद नहीं। आप अभी से आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, किस बेस में आपको पढ़ाई करना है। और अभी भी मैं कुछ चीज़ ज़्यादा अचीव नहीं किया है। मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिया करूँ, मेरा मेन टारगेट है मैं बॉलीवुड में देखूंगा, और मेरा मेन सपना है, मैं उसको अचीव करके रहेगा। देव मिश्रा साढ़े नाल मौजूद ने। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਏ ਬੀ ਪੀ ਸਾਂਝਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਸਾਂਭਾ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ 50 से 60 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਖੇਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਨੇ ਗੋਲਡ ਵੀ ਜੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ 2 ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ, 4 ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 7 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਆ ਹੈ। कि मैं भी यहाँ पे आने के थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो मैंने ऑर्गेनाइजर को कॉल किया कि मुझे यहाँ पे आने में, तो वो खुद मुझे आ गए लेने के लिए कि एक ऐसा पर्सन है जो दूसरे को प्रॉब्लम को समझ सकता है, और क्लासिंग बहुत अच्छा है, जजेस भी बहुत अच्छा है, जो पहले से मुझे मिला आई एम हैप्पी। इंडिया गोट टैलेंट में भी आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पे? वहाँ का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये मैंने 2020 में मैंने IGT पार्टिसिपेट किया था सीजन 8 का, जिसमें मैंने सेमीफाइनल किया है। और मेरा 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरा दोनों पैर खो दिया। और उस टाइम मेरा पैर के जाते ही हर कोई ने साथ छोड़ दिया, ये बोल के कि अब तुम क्या कर सकते हो। मेरे घर वाले, रिलेशन वाले, हर कोई ताना मारने लगे कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, भीख मांगने के सिलावा, क्योंकि उनकी माइंड सेट है कि जिसके पास हाथ पैर है वही कुछ कर सकता है। बट ये पॉसिबल ये नहीं है कि जिसके पास हाथ है या पैर है वही कर सकता है। एग्जाम्पल मेरे पास भी, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिसके पास हाथ और पैर नहीं है, बट फिर भी वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करते हुए अपने लाइफ में कुछ मुकाम पे पहुँचे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वही चीज़ मैं आपके भी ऑडियंस को बोलना चाहता, जब मैं कर सकता पैर छोड़कर, तो आप लोग क्यों नहीं। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उसके बाद सिचुएशन कैसी थी, माइंड में क्या चल रहा था? एक्सीडेंट से पहले नॉर्मल लाइफ थी, जैसे कि 8 घंटे जॉब, खाओ पियो सो जाओ, मतलब फिर वो जॉब। उसके दुनियादारी क्या है, दुनिया मैं क्या हूँ, मुझे कुछ समझ में, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरा गोल क्या है, बस जॉब करना, ज़िंदगी बिता देना। जब हादसा हुआ ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कि उस टाइम तो इतना माइंड स्ट्रांग नहीं था
कि मैं क्या करूँगा। उस टाइम कोई दिख ही नहीं रहा था मुझे कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। जब मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर जो था मेरा बड़ा भाई, जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो लग रहा था कि मेरे शरीर से जान बाहर निकल गई। क्योंकि उसे एक उम्मीद था कि अगर कुछ भी हो जाए मेरे साथ ना, भले पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मेरा भाई हाथ पकड़ के रखेगा। काफ़ी इमोशनल हो गए ने जदों खून दे रिश्ते साथ छड़ देन, तां कि दिल ते की बीतदी ओह उही जानदा है जिहदे नाल बीती होवे। खून दे रिश्ते भी साथ छड़ देंदे ने। जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो चुकी है मेरी। बट उसने मेरे अंदर ना एक जुनून डाल दिया कि मैं उसके बगैर भी कुछ कर सकता। और मैं अपने लाइफ में ना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, उसको बताने के लिए कि उसका भाई कमज़ोर नहीं, अपने खून नहीं साथ छोड़ दिया। यस, बट मैंने इस लाइफ में ना एक चीज़ सीखा है, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो कोई साथ नहीं देगा आपको, कोई भी नहीं, सिवाय आपकी मम्मा और आपके पापा। मेरे पापा तो बचपन से ही नहीं थे, मेरी मम्मा के ऊपर बचपन से ही बोझ था, और मैं ये ज़िंदगी जिया था अपनी माँ के लिए। क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और मैंने एक साल के अंदर मैंने IGT पार्टिसिपेट किया, जिसने मेरा हाथ छोड़ा, जिसने मेरा बुरे वक्त पर जलील किया, उसने मुझे कॉल करना शुरू किया कि वाह भाई क्या काम किया है, वाह गाँव का नाम रोशन कर दिया। फिर उस टाइम मुझे समझ में आया कि दुनिया अक्चल में क्या है। जब आप कामयाब हो जाते हो तो हर कोई पीछे आपकी ताली बजाता है, जब वक्त बुरा होता है ना, सला अपने शख्स भी अपना खुद का भाई साथ छोड़ देता है। यस, तो परिवार में कौन कौन है? अभी तो फिलहाल में जब मैं लाइफ में संघर्ष किया तो अकेला था, क्योंकि मेरे मम्मा का भी ऐसा कुछ था नहीं कि वो मेरे को सपोर्ट कर सकती थी। बट माँ का आशीर्वाद था, मैं जिंदा बच गया, स्ट्रगल करता रहा, मैंने IGT पार्टिसिपेट किया, फिर मैंने वीडियो कैरेक्टर शुरू किया, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया, मैंने रियलिटी शो अटेंड किया, स्टेज शो भी अटेंड करता, मैं मोटिवेशनल स्पीच की दौर पे जाता। और उसके बाद मेरी शादी भी हो चुकी है, एक नॉर्मल लड़के से शादी हुई है मेरी। आप देखेंगे मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब एक ही नाम से है, देव मिश्रा AK-47 से। आप कहीं भी देखेंगे, मेरा एक ही मोटिवेट है कि जो लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से सुसाइड कर लेते हैं ना, और गांव, समाज, रिलेशन वाले की सुन के सुसाइड कर लेते हैं, मेन रीज़न ये नहीं कि वो फेल हो चुका है इसलिए वो सुसाइड नहीं करता है, उसका घर वाला, रिलेशन वाला, गांव वाला, समाज वाला, सोसाइटी वाला उसको बोल बोल के उसको इतना इरिटेट कर देता है कि वो मरने के लिए लास्ट चांस उसका वही मिलता है कि सुसाइड कर लेता है वो हार कर। इसके लिए वो फेल हो चुका है, बल्कि उनको इतना टोकरा दिया, उसका उनको इतना जलील किया जाता है उस टाइम पे, वो मैं फेस कर चुका हूँ वो चीज़ को। बट जब मुझे लगा ना कि ये लोग, जब आपके सक्सेस हो गए ना, तो यही लोग आपके कुत्ते जैसे पीछे पड़े रहेंगे, ये रियलिटी है, सिर्फ मेरी नहीं हर एक पर्सन की रियलिटी है। जब आपका बुरा वक्त आएगा तो अपने लोग ही आपको जलील करने लग जाएंगे, बट उस टाइम पे आप हिम्मत रखो। अगर हिम्मत जिस दिन आपने तोड़ दिया ना, आपको कोई हिम्मत रखने वाला नहीं मिलेगा। बस आप उस टाइम अपने आप पे भरोसा रखिए और अपना संघर्ष करते रहे, यकीन मानो एक दिन पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। कितना टाइम वर्कआउट करते हो, कौन सी डाइट लेते हो? मेरा अभी डाइट का ऐसा पूरा नहीं पता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी पूरी मेरे पे है। मेरा घर, परिवार, बीवी, बच्चे, हर चीज़ हैंडल करते हुए फिर मैं अपने आप पे फोकस करता। और मेरी वाइफ की भी अभी पढ़ाई चल रही है, तो उसका भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने उसका साथ दिया, हाथ पकड़ा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है अभी। तो हर जिम्मेदारी करके मैं अपने आप पे फोकस करता। मेरा मॉर्निंग टू आवर्स में करता, नाइट में मैं 2 hours जिम करता। और अभी टू मंथ के लिए मैं बेड रेस्ट पे था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा ऐसा कंडीशन हो गया है। बट पहले बहुत अच्छी कंडीशन थी मेरी, और मेरा ये मोटे है कि जैसा मैं था उससे भी बेहतर मैं अगले प्लेटफॉर्म पर मैं दिखिएगा बहुत जल्द। पंजाब में आना अच्छा लगता है? यस, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, मैं बहुत टाइम आ चुका, मैं अमृतसर भी आया था जहाँ पे मिस्टर इंडिया हुआ था, फर्स्ट मिस्टर इंडिया मैंने पंजाब से ही किया है, और उसके बाद मैंने दिल्ली से ही किया है। बहुत सारा मैंने कंपटीशन खेला है जिसमें मैंने 50 के करीब मेडल्स जीते हैं, और 45 के करीब मैंने ट्रॉफी जीते, अपने नाम किया है। मुंबई में रहते हैं हम, मुंबई से जी। क्या बात है, इतनी दूर से? यस, कंपटीशन लड़ने आए हो। क्या पसंद है आपको पंजाब का, क्या पसंद है?
नहीं, मेरा गोल बस ये है कि मुझे किसी इंडिया का कोई भी कोना हो, चाहे कितना भी दूर हो, मैं वहाँ पे कंपटीशन खेलना चाहेगा। क्योंकि बहुत सारे एटलीस्ट ये सोच के नहीं आते यार बहुत दूर है, कुछ लोग ये एटलीस्ट सोच लेते हैं यार नंबर मिलेगा, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यार इतना दूर जाएंगे इतना खर्च रुपया लगेगा, क्या उसमें रुपया मुझे मिल पाएगा। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे ये सोच के मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे नॉलेज मिलेगा, कुछ नहीं तो चलो मेरी मुझे देख के ना भले अगर 10 लोग हैं ना तो 2 लोग जहन में जरूर आएगा कि जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता, वही मेरा सोच है। अगर मुझे देखकर कोई 2 भी पर्सन, 10 में से अगर 2 पर्सन में अगर ये सोच लिया ना कि मुझे भी ज़िंदगी जीना है तो मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। फिर मैं पैसे के लिए या कोई ट्रॉफी मेडल के नहीं आता, मैं ऐसे मरे हुए इंसान के अंदर जान डालने आता जो गांव समाज दुनिया जहान को सोच के अपने जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उनके अंदर और पावर डालना चाहता है कि जब मैं कर सकता, जब मैं इतना स्ट्रांग है तो आप भी कर सकते हो, बस हिम्मत मत हारो, मेरा यही मोटिव है। जस्ट उतने दुख भरे लम्हे आए आपकी ज़िंदगी में, जब आपकी शादी हुई तो कैसा महसूस हुआ, बच्चे हैं? हाँ, मेरे एक बेटी है, अभी 2 साल की होने वाली, 3 साल का शादी हो गया, 3 साल से ऊपर जो शादी का हो चुका है, और मेरी डॉटर ही। तो जब मेरे लाइफ में मेरी वाइफ आई तो उस टाइम मुझे लगा कि जो पार्टनर होती है ना, एक्चुअल में क्या होना चाहिए पार्टनर, तो मैंने अपनी वाइफ के रूप में देखा है, वो वाइफ का मेरे नज़र में वो भगवान का एक अनमोल तोहफा है कि उन्होंने मेरा पैर तो ले लिया लेकिन मेरे लाइफ में एक ऐसा पार्टनर भेजे कि जो मेरी प्रॉब्लम को, मुझे और मेरे सिचुएशन को समझ सके। मैं ऐसा हूँ ना, अभी मेरे बारे में हर चीज़ वो जानती है, अगर मैं अभी रेंट पे रहता, मैं उसको कभी कभी बोलता अगर ये मैं रेंट नहीं दे पाऊँगा तो घर वाला मुझे निकाल देगा, तो हम रास्ते पे रहेंगे, तो बोले ठीक है आप रास्ते पे रहोगे तो मैं भी आपके साथ रास्ते पे रह लूँगी, आप नमक रोटी खाओगे तो मैं भी आपके साथ रह लूँगी। जब इस सिचुएशन में अगर आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है ना, तो समझ लो आपसे धनवान कोई नहीं है इस दुनिया में, फिर कोई भी नहीं है। जब आपका पार्टनर आपके साथ है ना तो आपके बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है, सब दुख खत्म हो जाते हैं। यस, जब भी मैं उसको देखता है ना, क्या मेरी प्रॉब्लम, कुछ नहीं है यार। मैं अपनी बेटी को जब हंसता हुआ फेस देखता हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है, क्योंकि मेरे में अब वो जान दिखती है, कैसा वो मुस्कुराती है, मेरा कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है मुझे। कि वो कहते हैं ना कि कोई शख्स 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके आता है थका हारा सबका, बट जब अपने परिवार का खिलता हुआ फेस देखते हैं ना तो हर चीज़ भूल जाता है, बट उससे कहीं ज़्यादा मुझे महसूस होता है। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा चीज़ हुआ है कि एक ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा अनमोल गिफ्ट दिया है, फर्स्ट मेरी वाइफ, कि मुझे हाथ छोड़ने वाले में से वो नहीं है, हाथ को पकड़ के रखने वाले में से, और वो मुझे किस्मत से नहीं मिला है, वो उन्होंने दिया ना, मैंने मेहनत से उसको कमाया है, वो मेरा बाप दिया है, जो ऊपर बैठा है ना हम सबका बाप, उसने मुझे दिया है, और मुझे पता है वो हर कदम पे मेरे साथ है, हर कदम पे, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो वो मेरे साथ है हमेशा, और उसके प्रति मैं हर वक्त हर कदम में आगे बढ़ता रहा। फिर दूसरा अनमोल गिफ्ट मुझे मेरी बेटी दी है, जो कहते हैं कि अभी के टाइम पे बेटियां बोझ होती है, बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां राजाओं के घर में उतारे जाते हैं, जिसके औकात बेटियां पालने की नहीं होती उसके घर में बेटियां भी नहीं आते हैं, बेटियां उसके घर में आती है जो शहजादा होता है, समझे ना, ऐसा ही है। तो बॉडी बिल्डिंग के अलावा क्या करते हो आप, हमारे दर्शकों को बताइए काम क्या करते हो? मेरा फ्री स्टाइल में डांस करता, जो मैं स्टेज शो अटेंड करता, जहाँ पे जैसे कि जो मरीज लोग होते हैं, जैसे कि कॉलेज प्रोग्राम हुआ, स्कूल प्रोग्राम हुआ, तो मैं वहाँ पे एज ए गेस्ट जाता, लोग बच्चे को मोटिवेट करता कि उनका गोल क्या होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ आपका माइंड भी होना, आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यह नहीं कि मैंने 12th कर लिया उसके बाद मैं डिसाइड करेगा मुझे करना क्या, नहीं मैं BA कर लिया उसके बाद, नहीं, आप अभी से आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, किस बेस में आपको पढ़ाई करना है। यह नहीं कि मैंने 12th कर लिया अब उसके बाद यहाँ पे हम सोचना हमको इंजीनियरिंग करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं, शुरुआत से आपका गोल होना चाहिए, फिर उस पर आप फोकस करो, उस पर मेहनत करो, जब आप मेहनत करोगे तो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा। लक्ष्य का क्लियर होना जरूरी है, लक्ष्य पहले आपका दिखना चाहिए कि मुझे वहाँ, जब आपको पता ही नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आप कभी इधर उसमें आप टाइम लग जाएगा, बट आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, भले ही मेरे पास रास्ता अनेक है बट मेरा लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, और उस लक्ष्य पे ना वहाँ पे पहुँचने का आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको छोटा सक्सेस चाहिए ना, थोड़ी प्रॉब्लम में आप सेटल हो जाओगे वहाँ पे, अगर बड़ा आपका सक्सेस है, बड़ा आपका ड्रीम है, तो बड़ा आप प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार, खुद को तैयार करो, फिर जब आप उससे भाग जाओ फिर आपको नहीं मिलेगा।
जो वहाँ पे जाएगा लड़ते हुए उसको वो मिलने वाला है, वो सबको पता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मेहनत करते बट वहाँ पे जाते जाते उनका हर चीज़ ख़त्म हो जाता है कि अब नहीं अब छोड़ दे। बट ये जहन उनको क्यों नहीं आता है, नहीं एक कदम और मुझे चलना है, अगर एक कदम और चलें तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। पीछे लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बट एक कदम आपने आगे बढ़ा लिया ना तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलना है। वो चीज़ मैंने शुरुआत से अपने लाइफ में फोकस किया है, इसके लिए मैं आज यहाँ पे पहुँचा है। और अभी भी मैं कुछ चीज़ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिया करूँ, मेरा मेन टारगेट है मैं बॉलीवुड में देखूँगा, वो मेरा मेन सपना है और मैं उसको अचीव करके रहेगा, भले ही टाइम लग जाए लेकिन एक दिन मैं हॉलीवुड में जरूर दिखेगा। देव मिश्रा जी के नाल अज तुहाडी मुलाकात कराई है, इस तो वड्डी एग्जाम्पल होर कोई नहीं हो सकती जिन्हां दी जिंदगी दे विच एडा वड्डा हादसा होया कि रब ने उन्हां दे दोनों पैर ही लै ले, पर उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अगे वधदे गए। उन्हां दा कहना है कि लक्ष्य तुहाडा क्लीयर होना चाहिए तो सफलता तुहानूं मिलेगी ही मिलेगी। कैमरा परसन लालता प्रसाद के नाल अशरफ टुड्डी, ABP सांझा, मोहाली।